हर साल श्रावण महीने में बागपत के परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में लगने वाले कांवड़ मेले को लेकर बागपत प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 3 दिन तक लगने वाले कांवड़ मेले में इस बार सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर और मेला परिसर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगा और चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए जाएंगे ताकि 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में कोई भी दिक्कत सामने ना आए। आपको बता दें कि इस बार मेले में बच्चों के लिए झूले भी लगवाए गए हैं, साथ ही मंदिर तक पहुँचने वाले कांवड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की गई है। देखिए, इस संबंध में इस बार हम लोगों का सबसे बड़ा जोर इस बात पर है कि इस वर्ष जो शीर्ष स्तर से निर्देश है उसके अनुसार इसको एक अलग तरह के माहौल में, ताकि लोगों को लगे कि ये पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार बेहतर है व्यवस्था है इस पर। और दूसरा है कि इसको एक सकारात्मक रूप से देखा जाए कि एक बड़ी संख्या में हमारे लोग धार्मिक भावना से इस यात्रा को करते हैं, तो प्रशासन की ओर से एक सकारात्मक रूप से उनको जो जो सहूलतें जो जो व्यवस्थाएँ उनके लिए उपलब्ध कराई जा सकती है वो सारी बढ़िया से बढ़िया ढंग से उपलब्ध कराई जाए। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें 2-3 चीज़ों पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया है। एक तो जगह जगह जो कैंपों की व्यवस्था है, उन कैंपों में उनके लिए खाने पीने की चीज़ें और पानी और टॉयलेट और आपकी लाइट वगैरह की व्यवस्था बढ़िया रहे, वहाँ पर कांवड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी हो और उनको एक सकारात्मक रूप से कोई बंदिश नहीं है, परंतु कार्यों कांवड़ियों को प्रोत्साहित कर दे भाई आप यहाँ पर बताइए आप अपनी इच्छा से, ताकि एक स्टेटिस्टिक्स मेंटेन किया जा सके कि कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब मूवमेंट को एक हद तक ट्रैक किया जा सके। गुरुद्वार महादेव में श्रावण मास सोमवार हो गया और शासन प्रशासन ने जो साफ सफाई लाइट की व्यवस्था मतलब पूर्ण रूप से काम चल रहा है। इस तरीके से जनवरी से जो होगा शुरू 21 का मैन है हमारा यहाँ पर, क्योंकि तैयारी जो है आज मीटिंग भी होने जा रही है। DM साहब मीटिंग ले रहे हैं, SP साहब मीटिंग ले रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था सफाई व्यवस्था जो भी अपना अच्छे इंतजाम चल रहे हैं वो भी। इस बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।